नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां आपसे चर्चा करेंगे दो ऐसे नेताओं के बारे में जिनकी राजनीति आज से पहले एक दूसरे के साथ थी, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ होती हुई बहुत जल्द दिखाई पड़ने वाली है। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बारे में। मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम माने जाते हैं, अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, कांग्रेस के एक निष्ठावान नेता थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार लाने के लिए योगदान दिया और ये योगदान उन्होंने इस सरकार को गिराने में भी दिया होली के मौके पर। और सचिन पायलट जो फिलहाल कांग्रेस से बगावत को लेकर लगातार चर्चा में हैं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में बहुत जल्द 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए जीतना भी बेहद जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। उपचुनाव की 27 सीटों पर ये जो वोटिंग होगी इसके नतीजे तय करेंगे कि अब प्रदेश में बाकी समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहेगा या सत्ता कमलनाथ के हाथ में चली जाएगी। तो ऐसे में कमलनाथ सरकार जो है वो जोरों शोरों के साथ लग चुकी है चुनाव प्रचार में, और इसी प्रचार के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए सचिन पायलट मध्य प्रदेश की जमीन पर पहुंचने वाले हैं। अब तक आपने सचिन पायलट को सिंधिया की तारीफें करते हुए देखा है, यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जहां सिंधिया की भाजपाई हो जाने को कांग्रेस का बड़ा नुकसान सचिन ने बताया है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया उस वक्त सचिन पायलट का बयान सामने आया था और सचिन ने कहा था कि सिंधिया को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए था, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए थी, अगर वो बातचीत करते तो बात इतनी ज्यादा कभी नहीं बिगड़ती। वहीं सचिन पायलट जो जब अपनी ही पार्टी से खफा होकर अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत पर उतर आए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं अपने दोस्त के लिए दुखी हूं, मेरे दोस्त के साथ कांग्रेस नाइंसाफी कर रही है। अब तक दोनों अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के हमदर्द बने हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पहली बार सचिन पायलट करेंगे आगाज ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, करेंगे जनता के बीच बात। सिंधिया जिन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता अपनी अपनी रैलियों में, जनसभाओं में, अपने इंटरव्यूज में गद्दार कहते हैं, अब कुछ ऐसा ही करते हुए आपको सचिन पायलट दिखाई पड़ेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पायलट को मध्य प्रदेश में आकर उपचुनाव के लिए प्रचार करने की ये जो मांग है ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद सचिन पायलट को फोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में आइए, हमारी जमीन पर हमारे लिए चुनाव प्रचार कीजिए। और सचिन पायलट ने कहा कि मैं पार्टी का एक ईमानदार नेता हूँ, पार्टी जहाँ चाहेगी, मुझे जहाँ बोलेगी, मैं वहाँ जाकर प्रचार करूँगा, मैं मध्य प्रदेश भी जाऊँगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जनता के बीच बातें भी करूँगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को सुनिए, ध्यान से सुनिए, जानिए कि आखिर क्यों सिंधिया के गढ़ में सचिन का जाना महत्वपूर्ण है। जानिए आखिर क्यों सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। सिंधिया के गढ़ में जाकर सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि को धूमिल करने के लिए क्या क्या बातें कर सकते हैं, क्यों कमलनाथ ने सीधे तौर पर सचिन पायलट को ही फोन करके उनसे चुनाव प्रचार के लिए कहा, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिगरी दोस्त सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस ने बहुस्तरीय रणनीति बनाई थी। पायलट अब पार्टी में लौट आए हैं और पहले की तरह उन्हें सक्रिय रखने के लिए कांग्रेस अलग अलग तरह के प्लान तैयार कर रही है। एक खास गेम प्लान के तहत कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारने की तैयारी कर रही है, जहां सचिन का मुकाबला अपने जिगरी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से होगा। दोनों मुसीबत के वक्त में खुलकर एक दूसरे के साथ आज तक खड़े रहे हैं और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के
खिलाफ यहां सचिन पायलट का बड़ा वार मध्य प्रदेश की जमी पर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मार्च 2020 में सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से 15 महीने की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आई और सरकार गिर गई। कांग्रेस के 3 विधायकों का निधन हो गया, 3 लोग पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में पार्टी में अक्टूबर नवंबर के महीने में उपचुनाव की संभावना है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता चुनावी कमान संभाले हुए हैं, वहीं इन सब के बीच में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, वहां सचिन पायलट आएंगे और सिंधिया के खिलाफ जनता के बीच जाकर प्रचार करेंगे। दरअसल इन 16 सीटों में से मालवा निमाड़ क्षेत्र में 7 सीटें हैं, कुछ सीटें बुंदेलखंड में हैं। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अंदरूनी खींचतान की वजह से भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर यहाँ पिछड़ रही है। कांग्रेस के आकलन के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता भी इस चुनाव में दाव पर लगी है। कांग्रेस लगातार सिंधिया और उनके समर्थकों को गद्दार कह रही है। सिंधिया उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस गढ़ में गुज्जर वोटर भारी संख्या में हैं। ऐसे में पायलट को सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार कर कांग्रेस गुज्जर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। अगर सचिन पायलट ग्वालियर चंबल की 16 में से आधी सीटों पर जीत दिलाने में भी कांग्रेस को कामयाब हो जाते हैं तो उनका राजनीतिक कद पार्टी में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उपचुनाव में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव प्रचार की संभावना बेहद कम है। नवंबर साल 2015 में कांग्रेस ने मालवा निमाड़ में रतलाम लोकसभा चुनाव जीता था, जहां सचिन पायलट ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया। कांतिलाल भूरिया ने जीत के बाद सचिन पायलट को एक धन्यवाद नोट भी भेजा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में पायलट बनाम सिंधिया की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। आपको बता दें, जुलाई के महीने में जब पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हैं। साथ ही एमपी बीजेपी के नेता लगातार सचिन पायलट को प्रोत्साहित करते रहे हैं, लेकिन कथित रूप से सचिन पायलट को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वजनदार भूमिका का आश्वासन दिया तो पायलट ने घर वापसी का विकल्प चुना। आपको बता दें, सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा रहा था कि सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अपनी दोस्ती पर दाग नहीं लगाएंगे, लेकिन सचिन ने एक बेहद खास इंटरव्यू में तमाम तरह की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और साफ कह दिया है, मुझे कमलनाथ जी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए संपर्क किया, मैं जाकर मध्य प्रदेश की जमी पर कांग्रेस का प्रचार ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी जो भी कहे मैं वो करूं। एमपी मेरे लिए परिचित क्षेत्र है, चुनाव वाले ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के करीब हैं। ये लड़ाई देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है।